गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज थ्री डिजिट एडिशन। ओके बेटा, इसका पेज नंबर क्या है? 38 है। पहले देखिए, हम आपको ये एडिशन करा चुके हैं, ठीक है बेटा, ये एडिशन सॉल्व करा चुके हैं थ्री डिजिट नंबर्स के, आपको समझ में आ गए होंगे। और आज हम क्या करेंगे? ऐड, ठीक है। सबसे पहले बेटा हम क्या, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द नंबर इन वर्टिकल कॉलम, ठीक है ना। सबसे पहले हम ये लिखेंगे, ऐड लिखेंगे, उसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 349 प्लस 462, हमें इन्हें इन सम को, ये नंबर्स को लिखना है, ठीक है। उसके बाद में हम इन्हें क्या करेंगे, पुट द नंबर इन करेक्ट वर्टिकल कॉलम, ठीक है। वंस, टेंस, 100, ये मेंशन करेंगे। फर्स्ट नंबर क्या है बेटा, 349। सेकंड नंबर क्या है, प्लस करेंगे 349 में क्या प्लस करना है, 462 प्लस करना है। ओके, अब देखिए हम प्लस करेंगे, सब एट द वंस कॉलम। वंस कॉलम में क्या, कौन कौन से नंबर है, 9 प्लस 2, 9 को हमें 2 से प्लस करना है। 9 एंड 2 क्या हुआ बेटा, 11, 11 का 1, कैरी ओवर 1 इन टेंस। अब क्या करना है, एट द टेंस कॉलम, टेंस कॉलम को ऐड करना है। टेंस कॉलम में कौन कौन से नंबर है बेटा, 4 प्लस 6 और ये कैरी वाले को प्लस करना है, ठीक है। 4 एंड 6 कितने हुए बेटा, 4 एंड 6 10, 10 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 11, 11 का 1, कैरी ओवर 1 इन 100, 100 प्लेस में हम कैरी को लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, एट द 100, 100 में प्लस करना है। 100 में क्या क्या नंबर है बेटा, 3 एंड 4, 3 एंड 4 कितने होते हैं, 7, 7 एंड 1, 8। 349 को प्लस 462 प्लस करेंगे तो क्या नंबर आया बेटा, इज इक्वल टू 811। ओके, अब यहाँ पर क्या नंबर आ गया, 811। एक देखिए बेटा, दूसरा मेथड एक ये भी है कि हम इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए ये क्या है, वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100। वंस को 1 से प्लस करना है, 9 को हम 2 से प्लस करेंगे, 4 को हम 6 से प्लस करेंगे और 3 को हम 4 से प्लस करेंगे, ऐसे भी हम कर सकते हैं। और आप इसको वर्टिकल कॉलम में लिखकर भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे उसको आप बेटा इजी वे में कर सकते हैं। सम सेकंड, ओके, सेकंड क्या है बेटा, 142 प्लस 649, ओके, पुट द नंबर इन वर्टिकल कॉलम, ओके, 142 एंड 649। अब देखिए बेटा, 142 प्लस 649, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो वंस कॉलम में जो नंबर है उनको ऐड करना है। वंस कॉलम में बेटा कौन कौन से नंबर है, 9 एंड 2 नंबर है, 9 को हमें 2 से प्लस करना है। 9 एंड 2 कितने हुए बेटा, हाउ मेनी टोटल नंबर, 9 नंबर इन माइंड, 2 नंबर काउंट ऑन फिंगर, 1 2, ठीक है। टेक 9, 10, 11, 11 का क्या आ जाएगा बेटा, 1, कैरी ओवर 1 इन टेंस, मतलब टेंस में हमें दिखना है कैरी 1 को, ठीक है। अब 4 एंड 4 कितने हुए बेटा, 8, 8 एंड 1, 9। अब हमें क्या करना है, 100 जो कॉलम है उसको प्लस करना है। 100 कॉलम में कौन कौन सा नंबर है, 6 एंड 1, 7। 142 प्लस 649 तो क्या जाएगा, इक्वल टू 791। ओके, थर्ड सम, थर्ड सोल्व करना बेटा। थर्ड क्या है, 729 प्लस 106, पुट द नंबर इन वर्टिकल कॉलम, ओके, 729 प्लस 106 प्लस करेंगे, ठीक है। 9 एंड 6 कितने हुए बेटा, 9 एंड, सबसे पहले हमें क्या करना है,
एट द वंस कॉलम, वंस कॉलम में क्या क्या नंबर है, 9 एंड 6, 9 एंड 6 कितना हो बेटा 15, 15 का 5, कैरी ओवर 1 इन 10s, ठीक है। 2 एंड अब देखिए 2 में 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। अब 2 में जो कैरी है वो तो प्लस करेंगे ना, 2 एंड 1 3। अब हम क्या करेंगे, 100 कॉलम में जो नंबर है उन्हें प्लस करेंगे, 7 एंड 1, 7 एंड 1 कितना हुआ बेटा 8, ओके। 729 प्लस 106 क्या आया, 835। नेक्स्ट सम इज, अब देखिए बेटा ये जो 3 वाले है ना ये समझा देती मैं आपको, 501 प्लस 204 प्लस 109, ओके। पुट द नंबर इन करेक्ट वर्टिकल कॉलम, वंस टेंस हंड्रेड, पहला क्या है बेटा, फर्स्ट क्या है। और देखिए बेटा एक चीज और कि हमें वंस प्लेस से स्टार्ट करना है, जैसे 105, ताकि आप रोंग नहीं कर सकें, है ना। सेकंड है 204, 402, 204। थर्ड क्या है, प्लस करना है 199, 9, 9 एंड 1, ठीक है। हमें क्या करना है, 501 प्लस 204 प्लस 199, ठीक है। सबसे पहले हमें बेटा क्या करना है, एट द वंस कॉलम, वंस कॉलम में कौन कौन सा नंबर है, 9, 4 एंड 1। बेटा 9 एंड 4, 13, 13 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14। अब देखिए 14 जी 4 है, ये 1s है ना, और ये क्या है, 10s है, तो 10s को 10s उसमें लिखेंगे, ठीक है। 14 का क्या आ जाएगा, 4, कैरी ओवर 1 इन 10s। अब क्या है 9, 9 में बेटा 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10, 10 का 0, कैरी ओवर 1 इन 100 प्लेस। अब हम 100 प्लेस वाले को प्लस करेंगे, उसमें क्या कौन कौन सा नंबर है, 5, 2, 1 एंड 1, 5 एंड 2, 7, 7 एंड 1, 8, 8 एंड 1, 9। 501 प्लस 204 प्लस 199 इक्वल 904, ओके बेटा समझ में आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट सम, फिफ्थ, 101 प्लस 220 प्लस 660, ओके। पुट द नंबर इन इन करेक्ट वर्टिकल कॉलम, सबसे वर्टिकल कॉलम में हमें लिखना है। पहले हम मेंशन करेंगे 1s, 10s, 100, फिर इन्हें लिखेंगे 101, 220, 660, ठीक है, प्लस करना है। इसी तरह से ही सबसे पहले वंस कॉलम को प्लस करेंगे, ठीक है। 1 में 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 1, फिर 0 प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। किसी भी नंबर को 0 से प्लस करते हैं तो नंबर ही आता है। अब हम करेंगे टेंस कॉलम में प्लस करेंगे, टेंस कॉलम में कौन कौन सा नंबर है बेटा, 6 एंड 2 है, 6 एंड 2, 8। अब 100 कॉलम को प्लस करेंगे, ठीक है, 6 एंड 2, 8, 8 एंड 1, 9, ओके। 101 प्लस 220 प्लस 660 इक्वल 981। इसी तरह से बेटा आपको ये सारे सम सोल्व करने हैं, ठीक है। मैंने आपको 5 सम सोल्व किए हैं, कराए हैं, वो क्लास वर्क है, बाकी आपका ये होमवर्क है बेटा। ये आपको सारे सम नोटबुक और बुक में सोल्व करने हैं। नेक्स्ट आइए बेटा सीधा वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। वर्ड्स प्रॉब्लम करा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट सम, देयर वर 429 बुक्स इन अ स्कूल लाइब्रेरी। आपके स्कूल लाइब्रेरी में टोटल कितनी बुक्स हैं, लाइब्रेरी में 429 बुक्स हैं। द स्कूल बोर्ड 268 बुक्स मोर, मतलब स्कूल वालों ने क्या किया बेटा, 268 बुक्स और खरीद ली। हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन ऑल, अब आपकी लाइब्रेरी में टोटल बुक्स कितनी है, ठीक है। देयर वर 429 कितनी बुक्स है बेटा, पहले हम वंस टेंस और हंड्रेड मेंशन करेंगे, ठीक है ना। 429 बुक्स है। द स्कूल बोर्ड, स्कूल ने खरीदी कितनी बेटा मोर बुक्स, 268 बुक्स और खरीद ली। अब हमारे पास में
टोटल बुक्स कितनी है, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन अ होल। अब हम इन्हें प्लस करेंगे, 9 और 8 कितने हुए बेटा, हाउ मेनी टोटल नंबर, 9 और 8 17, 17 का 7 कैरी ओवर 1 इन टेंस। अब हम टेंस कॉलम में प्लस करेंगे, 6 और 2 कितने हुए बेटा, 8, 8 और 1 9। अब 100 कॉलम को प्लस करेंगे, ठीक है, 4 और 2 6, 429 पहले थी लाइब्रेरी में बुक्स, और बुक्स आ गई 268, अब टोटल बुक्स कितनी होगी बेटा, 697। नेक्स्ट देखिए बेटा, अ शॉपकीपर सोल्ड 259 बनानास ऑन मंडे। एक शॉपकीपर ने सोल्ड बेचे, कितने बनानास बेचे बेटा मंडे को, 259 बनानास मंडे को बेचे, एंड 400 बनानास ऑन ट्यूजडे सोल्ड किए बेचे, एंड 146 बनानास और वेंसडे को बेचे। हाउ मैनी बनानास डिड ही सोल्ड इन दीज 3 डेज, इन 3 डेज में कितने बनानास शॉपकीपर ने बेचे, ठीक है। मंडे को बेटा कितने बेचे हैं उसने, 159, ओके, ही सोल्ड 259 बनानास ऑन मंडे, एंड 400 बनानास ऑन ट्यूजडे, एंड 146 बनानास ऑन वेंसडे। अब हाउ मैनी बनानास डिड ही सोल्ड इन दीज 3 डेज, ओके। अब हम इन्हें प्लस करेंगे, 9 और 6 15, 15 का 5 कैरी ओवर 1 इन टेंस, ठीक है, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी ओवर 1, 4 और 2 कितने बेटा, 6 7 और 8, 1 8 हो गए। टोटल कितने बचे बेटा उसने, 805 बनानास, ठीक है बेटा। क्वेश्चन थर्ड देखिए, श्रेया कलेक्टेड 269 डेड फ्लावर्स। सोना कलेक्टेड, मतलब श्रेया ने कितने कलेक्ट किए बेटा, 269 डेड फ्लावर्स कलेक्ट किए हैं, ठीक है। सोना कलेक्टेड 456 व्हाइट फ्लावर्स, ओके। राधा कलेक्टेड 150 पर्पल फ्लावर्स। हाउ मैनी फ्लावर्स डिड दे कलेक्टेड इन ऑल, उन तीनों ने मतलब कितने टोटल फ्लावर्स कलेक्ट किए हैं, ओके। श्रेया कलेक्टेड 269 रेड फ्लावर्स, ओके बेटा। सोना कलेक्टेड, सोना ने कितने कलेक्ट किए बेटा, 456, एंड राधा ने कितने कलेक्ट किए बेटा, 150 फ्लावर, ओके। अब हम तीनों को ऐड करेंगे बेटा, तीनों नंबर्स को। सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड द वंस कॉलम, 9 और 6 के वंस कॉलम में कौन कौन से नंबर है बेटा, 9 को हमें 6 से प्लस करना है, 9 और 6 15, 15 का 5 कैरी ओवर 1 इन टेंस। अब टेंस कॉलम को प्लस करना है, टेंस कॉलम में कौन कौन सा नंबर है, 6, 5, 5 और 1, 6 और 5 11, 11 और 5 बेटा 16, 16 और 1 17, 17 का 7 कैरी ओवर 1 इन 100 प्लेस, ओके। अब एट द टेंस, एट द हंड्रेड, हंड्रेड्स में कौन कौन सा नंबर है, 4 को हमें 2 से प्लस करना है, 1 प्लस करना है एंड 1 प्लस करना है, ठीक है। 4 और 2 कितने हुए बेटा, 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8। टोटल अब इन तीनों ने बेटा हाउ मैनी फ्लावर्स डिड दे कलेक्ट इन ऑल, 875 फ्लावर्स, ओके बेटा। उन्होंने कितने फ्लावर्स कलेक्ट किए हैं, 875 फ्लावर्स कलेक्ट किए हैं बेटा। अब नेक्स्ट जो है ये वर्ड्स प्रॉब्लम के सम्स हैं, ये आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप ट्राई करना बेटा, करके देखना, फिर मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा, देखिए डेट मेंशन करनी है, चैप्टर का नाम, एडिशन, क्लास वर्क एंड होमवर्क, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो ये जो मैंने आपको सम्स बेटा इस तरह से, ये वाले जो सम्स हैं इन्हें आप वर्टिकल कॉलम में लिखकर ही करेंगे, और इस तरह से भी करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट भी करेंगे। ये आपको बुक और नोटबुक में करना है, और वर्ड्स प्रॉब्लम्स को बेटा ये मैंने आपको 3 सम सॉल्व किए हैं, ये भी आपको वर्ड्स प्रॉब्लम में
क्लास वर्क में करने हैं, ये आपको बेटा होमवर्क में करने हैं, ठीक है। आपको अपना वर्क बेटा नीट एंड क्लीन करना है, वो सुंदर सुंदर वर्क करना है। ओके, थैंक यू।